कैसो बनता है की पब्लिक तो एमवे बनता है के किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप गाना और KOTS एल्बम को पूरा ड्रॉप हुए बस कुछ दिन हुआ है। सो आप सबको तो मालूम है किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप वाले गाने में एमवे बनता है ने पाशा और जादू का क्या हाल किया था। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये देखने के बाद जादू भाई बिल्कुल ही गायब हो गए थे, ना इस बंदे की कोई स्टोरी दिख रही थी ना ही कुछ अपडेट। लेकिन ये भाई परसों अचानक से वापस आते हैं जो कि सबसे पहले इंस्टाग्राम में अनअवेलेबल वाली स्टोरी शेयर करते हैं और उसी के कुछ देर बाद ये भाई अपने एलियन मित्र मंडल के साथ में इंस्टाग्राम में एक ब्रॉडकास्ट चैलेंज बनाते हैं जिसमें ये एमसी भाई अपने फैन के साथ एक पोल रखते हैं और अपने फैन से पूछते हैं एमवे बंटाए को डिस करूं या अपनी एल्बम निकालूं। वैसे तो इसके सारे फैन डिस्ट्रैक ही चाहते थे और इसके सारे मित्र मंडल मिलकर सबसे ज्यादा वोट डिस्ट्रैक पर ही किया था। लेकिन ये बात तो उसको पता है एमवे बंटाए इसके पापा है और इसे ये बात 100% मालूम है मुझे लिरिक्स लिखनी बिल्कुल नहीं आती और ये पदरी हगरी मुतरी ऐसी कोई भी लिरिक्स को रैप नहीं बोलते। बेटे असली लिरिक्स इसको बोलते हैं। क्या दिन थे वो बेटा मैं सफर नहीं सफर करके आया हूँ। ये भाई बस अपने फैन को बेवकूफ बना सकते हैं। सो इसी के बाद एमसी भाई अपने फैनों को कहते हैं एल्बम ऑन द वे और ये भी कहते हैं यू नो पदरा डिस पदरी बीफ डिस और बीफ में फर्क रहता है माँ चलो चलते रहो। अरे स्टैन भाई आप अपने बस मूत्र मंडल को ही बेवकूफ बना सकते हो और ये बात इसी को ही पता है अगर एमवे बंटाई से बीफ करेगा तो इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। वैसे तो एमसी भाई की हाइप एमवे बंटाई ने ही डिस करके बनाई थी और अभी इसकी हाइप बॉलीवुड एक्टरों के नीचे लटक कर बनी पड़ी है। सो पब्लिक ये बात तो कन्फर्म हो चुका है एमसी स्टैन भाई का कोई भी डिस नहीं आने वाला और अगर डिस आता है तो फिर भी एमवे बंटाई से गंदी तरीके से पेला जाएगा क्योंकि एमवे बंटा इसके पापा है और आज तक इतिहास भी गवाया है। जब से एमवे बंटा हिप हॉप इंडस्ट्री में आया है आज तक बंटाई ने कोई भी बीफ नहीं हारा और ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर किसी मूत्र मंडल को विश्वास नहीं हो रहा तो भाई जाकर एमवे बंटाए का मचाएंगे फोर और पिंकी एल साइन और गिरफ्तार सुन ले। ये एमसी भाई अपने आप को तो बहुत बड़ा नेता समझते हैं पर असलियत में ये भाई कुछ भी नहीं है, बस ये इंस्टाग्राम में अपनी फोटो डालकर भौंक सकते हैं जो कि अपनी पिक्चर के कैप्शन में कुछ ऐसा लिखते हैं आई एम इन द इंडस्ट्री टू गेट ऑल द मनी You all can have beef, me official बाप जो कि नहीं हूँ। सो इसके बाद एमवे बंटाए भी इसको रिप्लाई देते हैं बंटाए खुद इंडस्ट्री है कोई बीफ नहीं हारा ये हिस्ट्री है इट्स इजी टू गेट ऑल द मनी बाय डिसरिस्पेक्टिंग अदर रैपर इन टीवी शो ब्रांडेड कपड़े भाड़े पे ला रहे और एक दो खरीदे तो स्टोरी पे दिखा रहे 100 वाली चप्पल और 200 वाली टी शर्ट से हम रैप कर रहे तब से हम कब से मचा रहे। सो इन्हीं पिक्चरों में से एमसी भाई एक पिक्चर में चश्मा पकड़े बीच वाली उंगली दिखाता है और सामने लुई विटन का बैग रखकर शो ऑफ करता है। अच्छा और इसके बाद इसके पापा एमवे बंटाए इसको रिप्लाई देते हैं और इसके पापा इसको दोनों बीच वाली उंगली दिखा देते हैं और इसे देखने बाद इसकी जी फट जाती है और एमवे बंटाए लुई विटन वाले बैग को कूड़े में फेंक देते हैं। गजब बेइज्जती है। सो पब्लिक ये बंदा बस इंस्टाग्राम में ही एड़ी चाली हरकत कर सकता है और असलियत में ये बंदे बिल्कुल लुल होते हैं। सो पब्लिक आप सबको तो मालूम ही है एमवे बंटाए कल रात इंस्टाग्राम में लाइव आए थे जहां पर एमवे भाई ने काफी नल्लो रैपरों की बात की थी। पीछे मैनेजमेंट काम करते हैं लोग के 10-20 3-4 मैनेजमेंट है 3-4 ये लेबल के साथ में काम करके अच्छी बात है करो भाई तू करना तेरा करना तुम लोग अपना करो ना रे ये बंटा है और ये इंडिपेंडेंट सीन से एड़ी चाली मत करो भाई अगर तारीफ नहीं करने का मेरे बारे में तो बुराई भी मत करो किसी की अगर तारीफ